लिमिट क्रॉस कर रहे हो, और मेरा बाप कोई ऑटो ड्राइवर नहीं है। अपने हद में रहो, समझे ना? कैसे कैसे लोग हैं, कमर गर्मी बहुत हो रही है, मैं पानी लेके आता हूँ। अबे अंकल, मैं पानी लेके आता हूँ, गाड़ी चलाना मत। ठीक है साहब। यार यहाँ एक भी सुखा नहीं है, पता नहीं कैसा एरिया है। एक काम कर, सिर्फ कॉलेज में तेरे को पानी पिलाता हूँ। चलो अंकल। ठीक है साहब। हेलो सर, लेकिन ये अमाउंट तो मैंने जीता है ना सर, तो मुझे मेरे अकाउंट में आना चाहिए ना सर ये। हाँ सर बात तो ये, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे शेयर कर सकते हैं, पर आपके अकाउंट में नहीं हो पाएगा सर। एक्चुअली मेरी कोई औलाद ही नहीं है सर, तो मैं फिर किसके अकाउंट में मंगाऊँ? तो आप एक काम करिए सर, ये लॉटरी अब कैंसिल कर दीजिए। ठीक है जी सर। ये ना झूठ बोल रहे हैं कि इनकी कोई औलाद नहीं है, मैं इनकी बेटी बात कर रही हूँ राज में। तो आप एक काम कीजिए कि आप मेरे अकाउंट में सारे डेढ़ पैसे दबा दीजिए। ओके मैडम, आप बैंक से दे दीजिए। ओके सर, थैंक यू। चलिए चेक करता हूँ। ये क्या रजनी, अभी तक तो ये तेरा बाप नहीं था, और पैसे वाली बात सुन के तेरा बाप बन गया? वो क्या है ना, मैंने तुमसे झूठ बोला था। अगर मैं पहले बता देती कि मैं मामूली टैक्सी ड्राइवर की बेटी हूँ तो मुझे छोड़ देते, और वैसे भी मुझ जैसी गरीब लड़की को तुम जैसा अमीर मुर्गा बार बार थोड़ी मिलता है। छी, तुम्हारी इतनी घटिया सोच है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नहीं रहना क्या? हेलो हेलो, क्या हुआ? लोटी तुम्हारी गलती से लगी ना? पर तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि ये सब करा ही मैंने है। हेलो, हाँ अमित, मैंने ना तुझे एक नंबर भेजा है, वो नंबर रागिनी के बाप का है। मुझे ना रागिनी का टेस्ट लेना है, तो एक काम कर, तू रागिनी के बाप को फोन कर और उसको बोल कि उसकी 25 लाख की लोटरी लगी है, और हाँ उसको बोलना कि वो लोटरी उसको नहीं दे सकते, उसे किसी बेटे को देना होगा जो कि उसका नॉमिनी रहेगा। ठीक है? हाँ यूसुफ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब आगे ना लालच भी किया था। ये सब भूल जाओ और मुझे माफ कर दो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। चुप रहो तुम, अब नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, ना ही तुम्हें माफ करना है। ऐसी लड़की जो अपने बाप की ना हुई वो मेरी क्या होगी? आपने ठीक किया भाई साहब, इस लड़की को घमंड चूर चूर कर दिया। जिसके लिए पैसे सब कुछ हो उसके साथ यही होना चाहिए। धन्यवाद भाई साहब आपका। जी, इसके साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। अंदर पल रहा था तूफान, बच के रहना मेरी जान, होने वाला है अब कान, और है जगाया तूने आज सब